जय हिंद दोस्तों, द एग्जाम पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग अनुपात पढ़ रहे थे, रेशियो पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रेशियो का चार टाइप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का पांचवा क्लास है रेशियो में। तो रेशियो में कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो ऑप्शन बेस्ड होते हैं, जिसमें हम लोग दिमाग न लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, ऑप्शन से ही कर लेना उसको अच्छा होता है। और कम से कम समय में हम लोग ऑप्शन से कर लेते हैं। अगर वही चीज़ हम तरीके से करने जाएं, मेथड से करने जाएं, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आज हम आप लोगों के लिए कुछ वैसे ही क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें हम लोग मेथड नहीं बल्कि ऑप्शन लगाएंगे और उसको ऑप्शन से आराम से कर लेंगे। तो चलिए सीधा बिना समय गंवाए हुए हम लोग सीधा वीडियो में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछता है और कहाँ पे हमको ऑप्शन से काम कर लेना चाहिए। चलिए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन कह रहा है कि 103, 135, 110 और 144 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, ठीक है ना, कि जिनके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या समानुपातिक हो जाए, समान अनुपात में हो जाए। पिछले वीडियो में भी हम लोग इससे इस पे ही आधारित कुछ क्वेश्चन किए थे, ऐसा ही क्वेश्चन इस बार भी थोड़ा सा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो 103 है, 103 है आपका, एक सौ तीन बट्टा में 135, फिर 110 बट्टा में 144। हम बोले इस पे हमको शिफ्ट करना है ऑप्शन, ताकि जिससे ये सब दोनों क्या जाए, समानुपात हो जाए, समानुपात हो जाए। तो चलिए शिफ्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मेरा क्या है, 12। अगर हम इसमें 12 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12 3 15, ये हो जाएगा 35 12 47, ये हो जाएगा 110 12 22, 122। 122 जो होता है वो 61 दूनी 122 होता है, और ये 115, तो ये 23 आ जाएगा। ये इसमें 61 वाला टर्म आ जाएगा। दोनों अभाज्य संख्या तो कभी पॉसिबल नहीं है कि दोनों कभी समान अनुपात में आ पाए। तो ये एक ऑप्शन तो आपका चला गया यहीं से देखकर, 12 नहीं हो सकता। 15 को चेक करते हैं, 15 3 18 हो जाएगा 15, और ये 10 25, 125, 125 का जब आप फैक्टर कीजिएगा तो 25 के टर्म में आएगा, तो वो कभी भी आपका या तो 5 आएगा, नहीं तो 25 आएगा, नहीं तो 125 ही रहेगा। और यहाँ पर क्या आ रहा था, 118, तो 118 कभी भी 25 के टर्म में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। चलिए एक ऑप्शन ये क्या आ रहा है आपका, 9 जरा डाल के देखिए, 9 अगर ऐड करते हैं हम लोग सब, देखिए 9 ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है जरा देखिए, 103 और 9 112, 135 और 9 144, इधर आपका 110 और 9 119 और 144 और 9 153। तो 119 17 के टेबल में आता है, 17 6 102, 17 7 119, फिर 17 9 153 होता है, यहाँ से 17 से काटती है 7 और 9 में, यहाँ देखिए 16 से कट रहा है, 16 6 96, 16 7 112, तो 16 से 7 बार में फिर 16 9 144, देखिए 7 बट्टा 9 7 बट्टा 9 दोनों तरफ आ गया। मतलब हम लोग ऑप्शन से ही कर लिए कि जो ऑप्शन 9 है ये हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, जो भी कंडीशन क्वेश्चन बता रहा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 9 सही आंसर हो जाएगा। मतलब 9 जोड़ने पर ये सभी राशि आपस में क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती हैं, समझ गए। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में भी इस तरह का एक दो प्रश्न किए थे, जिसमें हम लोग ऑप्शन से ही काम करेंगे, क्योंकि अगर इसको बाय प्रोसेस करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चला जाता है, फिर उसको सॉल्व करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हम लोगों के लिए टफ हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, समय ज़्यादा लेगा। तो हम लोग समय बचाने का कोशिश करेंगे, 2 सेकेंड 1 सेकेंड जिस क्वेश्चन में हमको जितना समय बच सकता है हम बचाने का कोशिश करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए उसी टाइप का दूसरा भी क्वेश्चन है कि 7 17 22 और 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक समानुपात में हो जाए। तो चलिए परिणामी संख्या किस किस में हमको करना है, तो 7 17 22 और 47 इनको हमको क्या बनाना है, समानुपाती बनाना है, कोई भी संख्या जोड़ के, कोई भी संख्या जोड़ के। हम बोले ऑप्शन से करना है हमको, हम बोले अगर ऑप्शन 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 22 में 1 जोड़ेंगे 23, 23 तो अभाज्य संख्या, कभी 8 23 नहीं बन सकता है और 23 8 नहीं बन सकता, तो ये तो गया ऑप्शन आपका एक। दूसरा ऑप्शन आपका 3 है, 3 डालिए यहाँ पर, 7 3 10 और 17 3 20 हो सकता है, यहाँ 22 3 25 47 3 50 ये बन सकता है। जरा हम इस पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। चलिए 7 3 10 हो जाएगा, 17 3 20 हो जाएगा, 22 3 25 हो जाएगा, 47 3 50 हो जाएगा, तो 10 से 20 1/2 हो जाएगा,
50 से 25 भी 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 1/2 समानुपाती हो गया, मतलब हमारा जो ऑप्शन 3 जो है वो क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 रखने पर 3 जोड़ने पर क्या हो रहा है, सारा टर्म समानुपाती हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 5:7 है, निम्नलिखित में से क्या उनका योगफल हो सकता है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऑप्शन से ही बनने वाला क्वेश्चन है, प्रोसेस से करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा, तो ऑप्शन से इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो कहने का मतलब इसके योगफल के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा योगफल हो सकता है, ठीक है ना। तो हम बोले यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ दें तो 5 और 7 कितना होता है आपका, तो 5 और 7 कहिएगा 12 होता है, 12 तो बोले 12 योगफल होगा, नहीं तो 12 का ही कोई मल्टीपल होगा, मतलब जो भी ऑप्शन 12 से कटने वाला होगा वही हमारा सही आंसर होगा, और इस तरह का जो भी प्रश्न होगा उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा जो 12 से पूरा पूरा कटे, तो बस ऑप्शन देख लेना कि यहाँ पर अनुपातिक राशि में योगफल अगर 12 हो रहा है तो निश्चित राशि में भी 12 से कटने वाला ही कोई संख्या इसका योगफल हो सकता है। तो चलिए ये तो 12 से नहीं कट रहा है, ये नहीं हो सकता, ये कट रहा है तो ये हो सकता है, ये नहीं कट रहा है ये भी नहीं कट रहा है, मतलब एक ही ऑप्शन है जो 12 से कट रहा है, मतलब 60 ही इसका योगफल हो सकता है, ठीक है। अनुपातिक राशि में योगफल 12 तो निश्चित राशि में योगफल या तो 12 नहीं तो 12 से कटने वाली कोई संख्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। करा 4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। अब देखिए इसमें भी हम लोग ऑप्शन से ही कर लेंगे, 4 और 7 में जोड़ना है, 4 और 7 में इसको 2:3 बनाना है, बोले अगर 3 जोड़ देंगे तो 3 जोड़ देंगे तो ये 7 बन जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि कभी 7 से कटे, तो 3 तो हो ही नहीं सकता है आंसर, 3 ऑप्शन आपका क्या जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 जोड़ने पर ये 7 बन रहा है और 7 कभी भी 2 नहीं बनाएगा, यहाँ पर अगर 7 में यहाँ पर 3 जोड़े हैं ये तो 10 हो रहा है, तो 7 10 कभी कटेगा ही नहीं, तो 2 3 कभी नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, 4 को चलिए लगाते हैं 4, तो 7 ये 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 7 4 11 8 और 11 भी कभी नहीं कटेगा, तो 2 3 वो भी कभी नहीं बना पाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा, तो ये ऑप्शन 4 भी मेरा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दूसरा अगला ऑप्शन क्या है, तो 2 लगाते हैं, ये 2 यहाँ भी 2 तो ये 4 2 6 हो रहा है, ये 7 तो 9 हो रहा है, तो ये कट जाएगा 3 से, 3 2 6 ये 3 किया ना, देखिए 2/3 आ रहा है ना, 2:3 ही तो पूछ रहा था, मतलब ऑप्शन 2 मतलब 2 जो है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन का कंडीशन, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब इस सब क्वेश्चन को अगर हम तरीके से बनाने जाएं तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसको देखते हैं कि कैसे आराम से क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से कर लेंगे। करें नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, ये पूछ रहा है कि कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 था, मतलब चयनित और गैर चयनित का आपको रेशियो दे रखा है कितना, चयनित और गैर चयनित का कितना दे रखा है, देख लीजिए चयनित मतलब चुने गए और गैर चयनित जो मतलब एक सिलेक्टेड और एक रिजेक्टेड जो कैंडिडेट थे उसके बारे में बात कर रहा है, चयनित और गैर चयनित कितना 19:17, ठीक है। मतलब जितना व्यक्ति आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 1:1, मतलब ये तो सोचा हुआ है कि इतना ऐसा होता ऐसा नहीं होता तो ये रेशियो होता, ये तो सोचा हुआ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो जो हुआ है हम उस पर गौर करते हैं। तो हुआ क्या कि जितने आवेदकों ने आवेदन किया होगा उसमें से 19 चयनित हुए और 17 गैर चयनित हुए, मतलब 19 को चुना गया 17 को नहीं चुना गया, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 19 चुने गए 17 नहीं चुने गए, ये घटित हुआ है, ये घटना घटित हुआ है। बाकी जो आगे कह रहा है कि इतना कम आवेदकों ने आवेदन किया था और इतने आवेदक कम चुने जाते ये सिर्फ सोचा गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो हम विश्वास किस पे करेंगे, जो हुआ उस पे विश्वास करेंगे। तो चलिए हुआ क्या, तो 19 को चुना गया 17 को छांट दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब क्या बोलेंगे कि भरा कितना होगा फॉर्म,
फॉर्म कितने लोगों ने फिलअप किया होगा, आवेदन कितने लोगों ने किया होगा, तो कहेंगे 19 प्लस 17 मतलब 36 लोगों ने आवेदन किया होगा। मतलब अगर आवेदन करने वालों की संख्या अगर अनुपातिक राशि में 36 तो निश्चित राशि में भी या तो 36 नहीं तो 36 का ही कोई मल्टीपल कोई गुणज मतलब 36 से ही कटने वाला कोई संख्या होगा आवेदकों की कुल संख्या। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कि 36 से कटने वाला कौन है। तो ये ऑप्शन तो आपका 36 से कटेगा नहीं, ये ऑप्शन भी 36 से नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन भी 36 से नहीं कट रहा है, बस एक ही ऑप्शन बच रहा है जो 36 से कट रहा है। मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 7200, क्या हो जाएगा 7200। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, हम लोगों ने ऑप्शन से ही आंसर दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उसी तरह का प्रश्न है, कह रहा है यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता। आप देखिए पहले ही सोच रहा है, घटना कुछ और घटा था, ये कुछ और सोच रहा है क्वेश्चन। तो देखिए यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, तब चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात इतना था। हम बोले हमको सोचा गया से कोई मतलब नहीं है, जो घटित हुआ है वास्तविकता में हमको उससे मतलब है। ये तो सोचा गया, इसको छोड़िए आगे पढ़ते हैं। यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात, अब देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिख रहा है कि कितना चुना गया और कितना नहीं चुना गया, मतलब सेलेक्टेड और रिजेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट दे रखा है। कितना सेलेक्ट दो हुआ है और रिजेक्ट एक हुआ है। बोले अगर सेलेक्ट दो हुआ रिजेक्ट एक हुआ है तो भरा कितना होगा, फॉर्म कितने लोगों ने फिलअप किया होगा, तो बोलेंगे 3 लोगों ने फिलअप किया होगा। तो बोलेंगे अगर फॉर्म 3 लोगों ने फिलअप किया होगा मतलब आवेदकों की संख्या 3 अगर है तो उसमें 2 सेलेक्ट किया और 1 रिजेक्ट हुआ, तो कहने का मतलब आवेदन की संख्या आवेदकों की संख्या कितना 3। तो निश्चित अनुपातिक राशि में अगर आवेदकों की संख्या 3 तो निश्चित राशि में आवेदकों की संख्या क्या होगी, तो बोलेंगे या तो 3 होगी नहीं तो 3 का ही कोई गुणज होगा या 3 का कोई मल्टीपल होगा। तो चलिए 3 से कटने वाला संख्या देखते हैं, 5, 2, 7, 1, 8, 125 3 से नहीं कटेगा, 5, 2, 7 ये भी नहीं कटेगा 3 से, 7, 5, 12, 3, 15 ये कट सकता है 3 से, फिर ये भी नहीं कटेगा, मतलब एक ही ऑप्शन है जो 3 से कटने वाला है। मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 376। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 2 विषयों अंग्रेजी और हिंदी के परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात 7:11 है। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिलते हैं तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले। अब यहाँ देख लीजिए अनुपात में ही देखिए, बनाने का हमको कहीं जरूरी नहीं है ये प्रश्न, अनुपात में आप देख लीजिए अंग्रेजी में उसको कितना हम लिख लेते हैं, अंग्रेजी और हिंदी में 7 और हिंदी में 11, हिंदी में कितना 11, हम बोले अंग्रेजी में उसको कितने अंक मिले हैं तो 7। तो बोले अनुपातिक राशि में अगर उसको अंग्रेजी में 7 अंक मिले हैं तो निश्चित राशि में भी या तो 7 मिलेगा नहीं तो 7 का कोई मल्टीपल मिला होगा। तो चलिए इंग्लिश का ही पूछ रहा है आपसे, तो अंग्रेजी में, तो बोले अंग्रेजी में या तो 7 मिला होगा नहीं तो 7 से कटने वाली कोई संख्या, बोले तो 7 का मल्टीपल या 7 का गुणज ही उसका अंग्रेजी का अंक होगा। तो चलिए 7 से देखिए 35 कट रहा है, हो सकता है 55 नहीं कटेगा 7 से नहीं होगा, 45 नहीं कटेगा तो नहीं होगा, 65 भी नहीं कटेगा तो नहीं होगा। मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 35, जो कि 7 से कट रहा है, मतलब 7 से कटने वाला ही कोई संख्या हमारा आंसर होता। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कैसे हम लोग ऑप्शन से भी आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।